Uncle Kane on the Job is a beautiful story from your book Literature Reader. This story belongs to the man Uncle Kane, who was very lazy and who did not want to do anything. And his granny the grandmother, was very much worried. And he, in the first part of this chapter, the granny was talking to a boy that they should definitely need to do something. You know, here she is saying, we will have to do something about Uncle Kane. कि हमें कुछ ना कुछ तो अंकल केन के लिए करना पड़ेगा. एंड द बॉय वॉज इन द किचन, बॉय हुआ सिटिंग हियर वॉज इन द किचन विद अंकल केन एंड हु वॉज पीलिंग द पीस. ओके, जो मटर छील रहा था, छीलते छीलते बीच में अपने मुंह में भी खा रहा था. ओके, सो अंकल केन एंड ग्रैनी आर टॉकिंग टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं. और ग्रैनी जो हैं वो इस लड़के से कह रही हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो इस बारे में करना पड़ेगा. ठीक है, ग्रैनी कह रही है कि दैट आई इट्स नॉट दैट आई माइंड हिम स्टेइंग, ऐसा नहीं है कि अंकल केन का मुझे अपने घर में रहना बुरा लगता है. ओके, बट कोई भी इंसान हमेशा खाली नहीं बैठ सकता. आइडियल मीन्स टू नॉट डू एनीथिंग. कोई भी इंसान हमेशा खाली नहीं रह सकता. तो वो लड़का कह रहा है कि क्या अंकल केन यंग है? इज अंकल केन अ यंग मैन? ही इज 40. Everyone says he will improve, so he's dono. तो ग्रैनी कह रही है कि सब यही कहते हैं कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो सुधर जाएगा. ओके, तो जो अंकल केन है उसकी तीन सिस्टर्स भी हैं. ओके, उसकी तीन सिस्टर्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज में रहती हैं. हियर इन दिस पार्ट इट इज मेंशन अंकल केन की तीन सिस्टर्स हैं जो अलग अलग सिटीज अलग अलग कंट्रीज में रहती हैं. और वो एक इंग्लैंड में रहती है, एक जर्मनी में रहती है. ठीक है, तो वो अलग अलग टाइम थोड़ा थोड़ा टाइम तीन तीन महीने चार चार महीने अपनी सिस्टर्स के साथ जाकर रहते हैं. ओके, और इस तरह से उनका टाइम बिना कुछ किए बीत रहा है. ठीक है, तो जो ग्रैनी है, जो ग्रैंड मदर है ये, ओके, वो बहुत वरीड है कि अगर ऐसे ही चलता रहा और जब वो मर जाएंगे, और क्योंकि ये उस समय की स्टोरी है जब इंडिया फ्री नहीं हुआ था, और ये तब इंडिया फ्री हो रहा था, तो जितने भी अंग्रेज थे उन्हें इंडिया से बाहर भेजा जा रहा था. तो अंकल केन की जो सिस्टर है शी इज ऑल्सो अ ब्रिटिश, तो वो लोग भी इंडिया छोड़कर जा रहे हैं. तो ग्रैनी वॉज वेरी मच वरीड कि अंकल केन का अब क्या होगा. ओके, तो हियर ग्रैनी इज सेइंग कि उनके पास दैट यहाँ पर इस पार्ट में, ओके, ही इज सेइंग कि दैट कि अंकल उनके पास ग्रैनी के पास, ओके, ग्रैनी के पास जो महारानी है जेटपुर की महारानी, उन्होंने उनके पास एक ऑफर भेजा है कि उनके जो चिल्ड्रन हैं, उनके चिल्ड्रन कौन कौन है, अ बॉय एंड ए गर्ल. ठीक है, एक बेटा और एक बेटी उनकी, उनको पढ़ाने के लिए एक ट्यूटर की जरूरत थी. तो जो ग्रैनी है वो कह रही है कि अंकल केन ये काम को अच्छे से कर सकते हैं. ठीक है, तो बोले ठीक है, मैं अंकल केन से बात करूंगी इस बारे में. ठीक है, यस इज अ गुड आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया, सेड ग्रैनी. वी विल हैव टू टॉक हिम फॉर अप्लाइंग. मैं अंकल केन से बात करूंगी, वो जाएं और इसके लिए अप्लाई करें. ही आउट टू गो ओवर एंड सी देम. उसे जाना चाहिए और बात करनी चाहिए. द महारानी इज अ गुड पर्सन टू वर्क. महारानी बहुत अच्छी है और उनके साथ काम किया जा सकता है. अंकल केन एग्रीड टू गो ओवर एंड इंक्वायर अबाउट द जॉब. अंकल केन अगले दिन गए, महारानी से बात की, महारानी ने उनका इंटरव्यू लिया. ठीक है, तो महाराज ने उनसे क्या क्या पूछा. डू यू प्ले टेनिस? क्या तुम्हें टेनिस खेलना आता है? अंकल केन ने कह दिया यस. ओके, जबकि अंकल केन मुश्किल से एक या दो दिन टेनिस खेलोगे, मतलब उन्होंने झूठ बोल दिया. ठीक है, ओके, आगे महाराज ने क्या पूछा. इन दैट केस द जॉब इज योर्स. अगर तुम्हें टेनिस खेलना आता है फिर तो बहुत अच्छी बात है, ये जॉब तुम्हारी है. ठीक है, उन्होंने आगे क्या पूछा. उन्होंने आगे पूछा कि क्या तुम कभी कैम्ब्रिज गए हो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी? ठीक है, तो उन्होंने कहा नो, मैं तो ऑक्सफोर्ड गया हूँ, ऑक्सफोर्ड में गया हूँ. महाराजा बड़े इम्प्रेस हुए, ये तो बड़ी अच्छी बात है. ओके, व्हेन अंकल केन टोल्ड ग्रैनी अबाउट द इंटरव्यू, जब वो घर आए, महाराजा बहुत खुश हुए और वो एग्री हो गए कि ठीक है, कल से तुम मेरे बच्चों को पढ़ा रहे हो. अंकल केन जब घर लौट कर आए और उन्होंने अपनी ग्रैनी को इंटरव्यू के बारे में सब कुछ बताया. ओके, तो उनके बट यू हैवन बीन टू ऑक्सफोर्ड, हाउ कुड यू से दैट. ग्रैनी नाराज हुई और उन्होंने पूछा कि तुमने झूठ क्यों बोला, तुम तो कभी भी ऑक्सफोर्ड नहीं गए हो. उन्होंने कहा ऑफ कोर्स आई हैव बीन टू ऑक्सफोर्ड. अंकल केन क्या बोले ग्रैनी से, हाँ मैं ऑक्सफोर्ड गया तो था, आपको याद नहीं है क्या, आई स्पेंट टू इयर्स
ओके विद माई ब्रदर जिम, मैं अपने भाई के साथ 2 साल वहां रहा था. यस बट यू वर हेल्पिंग हिम इन पब इन द टाउन. बट उस समय तो तुम बस ऐसे ही रहने गए थे, यू वरंट एट द यूनिवर्सिटी. पर तुम यूनिवर्सिटी तो नहीं गए ना, तुम तो बस वहां ऐसे रहने गए थे. वेल द महाराज नेवर आस्क मी इफ आई हैड बीन टू द यूनिवर्सिटी और नॉट. देखिए अंकल किम कितने स्मार्ट थे, ठीक है. तो उन्होंने कहा कि कितने क्लेवर है. उन्होंने कहा महाराजा ने मुझसे कौन सा पूछा था कि मैं यूनिवर्सिटी गया था या नहीं. ओके ही आस्क मी इफ आई वॉज एट कैम्ब्रिज. उन्होंने तो बस इतना ही पूछा था कि मैं कैम्ब्रिज गया या नहीं. आई सेड नो, मैं नहीं गया. ओके विच वाज परफेक्टली ट्रू. ही डिडंट आस्क मी वेदर आई वॉज डूइंग एट ऑक्सफोर्ड. उन्होंने तो पूछा नहीं कि मैं ऑक्सफोर्ड में क्या करता था. वट डिफरेंस डज इट मेक, सेड. सो वट द स्टोरी सेज, स्टोरी सेज नो पर्सन शुड लिव विदाउट डूइंग अ वर्क, एवरी वन शुड डू हार्ड वर्क. ओके सो दिस इज द स्टोरी ऑफ अंकल किन. क्वेश्चन ऑलरेडी आई हैड सेंड यू. ओके आई होप आई कुड मेक इट क्लियर टू यू.